हेलो स्टूडेंट, आज मैथ्स का नया टॉपिक सीखेंगे अपन डेसिमल। ठीक है, वैसे आपने पढ़ रखा होगा हमारी क्लास में, तो अपन फिर से एक बार रिवाइज करेंगे डेसिमल। तो जैसे कोई डिजिट लिखी हमारे पास में 4.25, ठीक है, तो इस पॉइंट को डॉट से नोट करते हैं, जो पॉइंट को बोल सकते हैं डॉट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके डॉट के आगे वाला पार्ट होता है अपना होल नंबर। डॉट के आगे वाला पार्ट होता है होल नंबर, और डॉट के पीछे वाला पार्ट मतलब डेसिमल के पीछे वाला पार्ट क्या कहलाता है, जितनी भी डिजिट हो वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अपन फ्रैक्शन भी सीखे हैं तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे लिखा हमारे पास में 4.25, तो आगे वाला पार्ट पॉइंट से डॉट से होल नंबर, और पॉइंट के पीछे वाला पार्ट होता है फ्रैक्शनल नंबर। और ये डेसिमल का यूज आपने देखा होगा फाइनेंशियल जगह होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, करेंसी में होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पॉइंट लगा हुआ बहुत सी जगह आपको देखने को मिलता है, तो इसको अपन डॉट भी बोलते हैं और डेसिमल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बनाया पिक्चर्स, इसमें देखिए 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और 10 पर एक पॉइंट कलर कर रखा है, हमने एक पॉइंट कलर रखा है, तो अपने फंक्शन से निकाला था होल पार्ट नीचे और कलर पार्ट ऊपर, तो क्या होगा, वन कलर ऊपर और होल नीचे, तो ये क्या बना 1/10। न्यूमरेटर हमारा 1 था और डिनोमिनेटर हमारा 10 था। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पॉइंट में, कैसे 0.1, क्यों, एक जीरो थी तो एक पॉइंट लगा, एक जीरो थी एक पॉइंट लगा, और इसको हम टेंस टी एच एस हो जाता है, जैसे अपन टेन बोलते थे, तो टेन की जगह डेसिमल में इसको आप नंबर्स नहीं लिखेंगे तो ये टी ई एन टी एच एस हो जाता है टेंस। ओके, हंड्रेड टी एच एस लग जाता है। जैसे एक और देखिए, ये पूरे टेन थे, ठीक है, इसका कलर पॉइंट कितना है 2, तो इसको अपन ने क्या लिखा 2 ऊपर टोटल नीचे, क्या, डिनोमिनेटर 2 डिनोमिनेटर नीचे 10, इसको अपन डेसिमल में कैसे लिखेंगे, पॉइंट 10 था तो 1 के बाद पॉइंट 0.2 या फिर 0.2 से जो आप डिनोट कर सकते हैं, और इसका अगर नंबर से लिखेंगे तो ये कर लेते हैं 2 tens, या फिर 3 कलर कर देते हैं तो 3 tens, 4 होता तो 4 tens, टी एच एस जो जाता है इसका। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, कोई डिजिट लिखी हमारे पास में 4.25, इस पॉइंट को अपन डॉट भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, पॉइंट के आगे का पार्ट होल पार्ट कहलाता है और पॉइंट के पीछे का पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। और देखिए एक चार्ट बना रखा है हमने, डेसिमल नंबर लिख रखे हमारे पास में, इसको अपन होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट बनाना है। ठीक है, जैसे दिया है 3.25, तो हमने बताया था पॉइंट के आगे का पार्ट क्या होता है होल नंबर, तो ये थ्री क्या हो गया होल नंबर, और पॉइंट के पीछे का पार्ट क्या हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये बना 2.5। क्या होता है, डॉट या पॉइंट या डेसिमल के आगे का पार्ट होता है होल नंबर, और उसके पीछे का पार्ट क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4.172, ठीक है, हमें पता है पॉइंट के आगे का पार्ट क्या है होल नंबर, पॉइंट के आगे का पार्ट है होल नंबर, और पॉइंट के डॉट के पीछे का पार्ट क्या है 172, ये क्या बन गया अपना फ्रैक्शनल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25.03, तो क्या हुआ 25 क्या हो गया होल नंबर, पॉइंट के आगे का पार्ट था, और 0.3 क्या बन गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसे 0.168, ठीक है, तो इसका 0 हमारा क्या होगा पॉइंट के आगे था होल नंबर, और 168 ये क्या बन गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
3.7.7 तो 1 3 2 ये हमारा क्या बन गया होल नंबर और 7 बन गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। एक बार फिर से देख लीजिए पॉइंट डॉट या डेसिमल जिसे हम नोट करना चाहते हो उसके आगे का पार्ट होता है होल नंबर और पॉइंट के पीछे का पार्ट क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे दिया था हमारे पास 3.25 तो इसका होल नंबर हो गया 3 और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन था 4.172 इसका होल पार्ट हो गया 4 और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 172। नेक्स्ट क्वेश्चन था 25.03 तो होल पार्ट हो गया 25 और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 03। नेक्स्ट क्वेश्चन था 0.168 तो 0 हो गया हमारा होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 168। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 132.7 132 हमारा होल पार्ट हो गया और 7 हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं और ये कहां का यूज होते हैं आप देखो बैंकिंग लाइन में करेंसी में ठीक है बहुत सी जगह आपने देखा होगा ये डेसिमल का यूज किया जाता है।